हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ अली। सो ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है जिसमें मैं पहली बार वॉइस ओवर दूंगा किसी ड्राइंग वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अपना ही हाथ मतलब हैंड है वो उसे ड्रॉ करूंगा अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग एंगल से। तो बहुत बार हम फेस करते हैं, अब जब बिगिनर होते या फिर हम ड्रॉ करना शुरू ही करते हैं तो हमें मुश्किल लगती है किसी भी चीज़ को। अगर हम किसी आर्टिस्ट को देखते हैं ड्रॉ करते हुए तो लगता है कि सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आती है कि वो चीज़ हमसे ड्रॉ नहीं हो पाएगी। हालांकि हमें पता नहीं होता कि जो आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहा है अपने आर्टवर्क को, उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। आपके जैसा ही था, वो भी दूसरों को देखता था, पर उसने वो चीज़ छोड़ी नहीं। तो आपको भी वो चीज़ छोड़नी नहीं है। आपको जब तक अच्छे से ना बनाता है, ना बने आपसे, तो आपको उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं बनेगा, मतलब बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ नहीं बन रही, लेकिन हाँ, आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है। क्योंकि अगर आपसे एक बार अच्छी नहीं बनेगी तो दूसरी बार आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। तो वो उस गलती को सुधारते हुए मतलब हर बार अपनी गलतियों सीखो। और किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना आसान है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है, बस आपको प्रैक्टिस ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। हर चीज़ को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, मतलब अलग अलग मेथड आते हैं। आप इस शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग रहते हैं जो फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है, उनकी स्किल्स ऐसी होती है देखने के नज़रिया। तो ये वाली जो टेक्निक है, मतलब टेक्निक ही तो बहुत बेसिक चीज़ है, हर कोई इस्तेमाल करता है, पर मैंने मेरा ही हाथ मतलब ड्रॉ करने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ही हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जहाँ मुझे जो अपने हाथों के लाइंस होती है, जैसा शेप होता है, मैंने बस लाइंस स्ट्रेट लाइंस बनाई थी। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं रहा, मैं बस आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको लाइंस कैसे और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, एक शेप था, तो हैंड जैसा एक शेप बनने के बाद में आपको अगर कहीं से लाइट आ रही होगी तो आपको शेडोज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना उसमें। जहाँ जहाँ शेडोज है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे डार्क पोर्शन है, तो आपको हल्की पेंसिल को लेके उसे बस शेड करना है, डार्क एरियाज़ को शेड करना है, और जो हाईलाइट वाले एरिया है उसे छोड़ देना है। आप भले आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बने, आपका हैंड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं बने, फिर भी आपको वहाँ से छोड़ना नहीं है। और रबड़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है अपने किसी भी ड्राइंग के अंदर। आपको इरेजर का इस्तेमाल तब तक नहीं करना है जब तक कि आप उसमें हाईलाइट करो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन में और अच्छे से डिटेल दे सकता हो तभी आपको इरेजर उठाना है, नहीं तो उसके अलावा आपको हर चीज़ के अंदर इरेजर नहीं उठाना है। आपको सिर्फ अपनी पेंसिल का ही मदद लेना है उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। तो आपको जहाँ जहाँ डार्कनेस दिख रही है वहाँ आपको डार्क करना है। और मेरे हैंड के मूवमेंट्स, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका हैंड जो है वो मूव ना करे। वो मेरा हाथ एंगल चेंज हो रहा था क्योंकि बहुत बार मुझे जगह से उठना पड़ रहा था, तो उसी एंगल में मुझे हाथ रख के ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल आई थी। पर जो मेरा स्ट्रक्चर था वो पहले तैयार हो गया था, तो मुझे सिर्फ डार्कनेस और लाइटनेस, मतलब डार्क एरिया लाइट एरिया उसे ही ड्रॉ कर मतलब रेंडर ही करना था, शेड ही देने थे उसके अंदर, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। पर ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ हाथ ही ड्रॉ करो, आपके सामने जो भी चीज़ होती है आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर, आप अगर चाहो तो बिल्डिंग्स ड्रॉ कर सकते हो, आप विंडो से देख सकते हो, किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे बराबर आपको लाइट और डार्क का लाइट डार्क चीज़ें मालूम पड़े। किसी भी हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है और शेप्स होते हैं, बस उसी को आपको ध्यान रखना है, बस आपको ड्रॉ करते रहना है। हर दिन एक ड्रॉइंग तो आपको करनी है। मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो शेप्स के अंदर दिया है, और जो एंगल होता है उसका उसके ऊपर ध्यान दिया है। तो मुझे ये ड्रॉ करने में, मतलब जो स्ट्रक्चर था उसे ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत सारे, जैसे कि अगर शेप, तो चलो मान लिया हमने शेप भी बना लिया, हमने शेप शेप ड्रॉ कर लिया है, अब उसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर देना है, तो उसके एंगल्स जो रहते, जो कर्वनेस रहती ना, जहाँ पे जो मेरा थंब है वो फोल्ड हो रहा है और जहाँ पे फिंगर्स है मेरी अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, तो उसे ड्रॉ करने के लिए आपको बस गैप देखना है कि आपके फिंगर्स के बीच में जो डार्क वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे लाइंस हुए, उसकी गैप क्या, मतलब उसकी जो मोटाई है, कि बस आपको
लाइन से लगाने वहाँ पे, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रबर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा बना रहे हो वैसा कंटिन्यू करते जाओ उसको, भले एक बार अच्छा नहीं बन रहा तो वापस ड्रॉ करो उसको, लेकिन कंटिन्यूसली उसे ही ड्रॉ करो, उससे ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा तो छोड़ दो, आपको वही ड्रॉ करना है, क्योंकि एक बार ड्रॉ करने से तो नहीं आएगा, लेकिन उस चीज़ में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने कहाँ का गलती करी है। अब मैं सिर्फ इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, बस इसमें डार्क एरियाज़ जो है डार्क एरियाज़ में शेडिंग कर रही है, और अगर हाइलाइट्स होगी तो मैं वहाँ पे इरेज़र से इरेज़ कर दूँगा हाइलाइट्स के लिए। तो ये तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उसे शेप कैसे देते हैं, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगा मैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यूट्यूब पे, मैंने 2 या 5 या 6 ही वीडियो डाली है अभी तक यूट्यूब पे, और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए वॉइस ओवर से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। मैं बस अपनी वीडियोज़ के अंदर वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने ऑब्जर्व करी है अपने ड्रॉ करते समय, या फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ड्रॉ, मुझे जैसे ड्रॉ करना अच्छा लगता है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा, या फिर आपको इजी तरीका, आपको इजी तरीका जो है ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ वही बताऊंगा। आप चाहो तो कोई भी चीज़ मुझे बोल सकते हो कि मुझे आपको जो चीज़ ड्रॉ करने में मुश्किल आती है मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने जो अंदर की तरफ जो डेप्थ है यहाँ पे ज़्यादातर डार्क पोर्शन, तो मैंने वहाँ पे डार्क कर लिया है। अब मैं एक बार, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए वो ड्राइंग बनाई है, तो हम अब मैं चाहूँ तो उसमें थोड़ा और डिटेल कर सकता हूँ मेरे हैंड के अंदर, पर अब मैंने उसे छोड़ दिया है वहीं तक ही। तो अब मैं दूसरे एंगल से मेरा हाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पहले लाइन बनाई है, उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा से स्ट्रक्चर देना शुरू किया है हाथ का स्ट्रक्चर। अब मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो एंगल हाथ का है, यहाँ पे हाथ बना रहा हूँ, मुझे जैसा मेरी आँखों को दिख रहा है वे मैं वैसा ही लाइंस बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे। अब ये होने कंप्लीट होने के बाद में हमें इसमें सिर्फ शेडिंग करनी है, सिंपल बेसिक शेडिंग करनी है, शेडिंग करनी है बस, डार्कनेस को ऑब्जर्व करो, लाइटनेस को ऑब्जर्व करो, वहाँ पे शेडिंग करो, पेंसिल चलाओ, स्ट्रोक्स लगाओ, और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक करी है या फिर ये लाइन गलत हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल किया है, वैसे मैं क्योंकि मेरे जो हाथ के मूवमेंट्स है वो रैपिडली चेंज हो रहे थे, और मैं चाहता था इसका एक पिक ले सकता था हाथ का, और उसे ड्रॉ कर सकता था मैं पिक लेके, क्योंकि वो बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती हाथ की, और आप अगर प्रैक्टिस करो तो आप अच्छा रहेगा कि आप उसकी पहले ड्राइंग की जो आप ड्रॉ करने वाले हो उसकी पहले फ़ोटोग्राफ ले लो, पिक्चर क्लिक कर लो, उसके बाद में ही उसे देख के ड्रॉ करो। लेकिन अगर मैं वो करता, मैं पहले पिक्चर ले लेता, तो आपको मैं वो चीज़ें नहीं बता पाता जो मैं मेन है इसके अंदर, कि आप मेरा ना तो हैंड देख पाते, आपको बस आप जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैसे मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे मेरे आँखों को पता चल रहा है, तो मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता पाता इसके अंदर, इसलिए मैं सिर्फ अपने हाथ को देख के ऑब्जर्व करके उसमें से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, जैसा थंब था मैंने थंब, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ड्रॉ करो जैसा आपको दिख रहा है वैसा ड्रॉ करो, आप ज़रूरी नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो टेक्सचर्ड है जो हाथ का है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपकी जो ड्राइंग है वो वैसी ना हो जाए कि आप देख कुछ और रहे हो लेकिन बना कुछ और रहे हो। आपको ज़्यादा बनाते समय रिलैक्स होना है, और ड्राइंग एक रिलैक्सिंग प्रोसेस होती है, तो आपको इतना जल्दबाजी नहीं करनी ड्रॉ करते समय, आपको बस रिलैक्स होके अपनी ड्राइंग को इंजॉय करना है, आप जो भी बना रहे हो उसे इंजॉय करना है। और ये जो मेथड है, क्योंकि आप अगर किसी भी ड्राइंग को बनाते हो और अगर वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी बनती है, तो वो चीज़ ड्रॉ करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसे बनाते आते भले टाइम निकल जाए पर हमें पता नहीं चलता उसके बारे में। तो वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, एकदम रिलैक्स होकर ड्रॉ करोगे और कॉन्फिडेंस रखकर ड्रॉ करोगे कि तो आपसे ड्रॉ होगा, बिल्कुल अच्छे ड्रॉ होगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ड्रॉ कर लो, आपसे पहली बार में कभी ड्रॉ नहीं होगा, आपको उसे टाइम देना होगा किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए जो आपको नहीं आता किसी मीडियम के लिए,
आपको टाइम देना ही होगा, उसके अंदर आप इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आप जैसे मैंने ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे नहीं बनाना, क्योंकि ये करना मतलब बहुत अगर आपसे अच्छे से नहीं ड्रॉ होगा तो आप डीमोटिवेट हो सकते हो। तो आपको लाइव स्केचिंग नहीं करनी, मतलब लाइव हाथों में नहीं बनाना, आप पहले फोटोग्राफ ले लो या फिर बहुत सारे फोटोग्राफ आप गूगल से भी ढूंढ सकते। जो पहली वाली ड्राइंग थी मैंने उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने सिर्फ पहली वाली ड्राइंग था उसमें, जो पहली ड्राइंग थी मेरी उसमें टाइम लगा मैंने ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ, लेकिन दूसरी वाली थी मैंने उसमें इतनी डिटेल नहीं दी तो मैंने जल्दी जल्दी बनाया। और ये वाले हाथ को भी मैं बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लूँगा, इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा डिटेल देने के लिए और गैप समझने के लिए। मैं बस स्ट्रक्चर फॉलो करूँगा, डार्कनेस लाइटनेस को फॉलो करूँगा और वैसे ही स्ट्रोक्स लगा के वैसे ही शेडिंग करके मैं उसे बना लूँगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यही अच्छी चीज़ है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ उस चीज़ के अंदर। आप बस आपको 3 से 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, शेप, उसका स्ट्रक्चर, शेडिंग, रेंडरिंग। आपको जहाँ तक लगता है कि आप डिटेल कर सकते हो आप उसमें करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको रियलिस्टिक ही बनाना है, बस आप जितना हो सकता है आप उतना ही ड्रॉ करो और फिर वो जो चीज़ है उसका एंगल चेंज करो और वापस से ड्रॉ करो। तो कम से कम आप एम रख के 3 से 4 एंगल ऐसे रखो कि आप ड्रॉ करो एक बारी में। आप चाहो तो एक पेज पे 2 ड्रॉ कर सकते हो, आप A4 शीट ले सकते हो उस पर 2 बार ड्रॉ कर सकते हो आप। आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ेगा, मतलब शेप्स के बारे में मालूम पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी। मुझे आर्ट्स के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं है, पर जैसे मैंने शुरुआत की थी एज अ बिगिनर, मैं भी बिगिनर ही हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अच्छे से ड्रॉ करना था चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मैं उसमें एक्सपीरियंस मिले उस एक्सपीरियंस को अपने पास रखूँ और अगली बार अगर कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ मैं तो उस एक्सपीरियंस को उसे वो मेरे काम में आए और चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाए, बेहतर हो जाए। कि ऐसा भी होता है कभी कभी जो हम ड्रॉ करते हैं ना ऐसा लगता है कि हम इम्प्रूव कर गए, लेकिन फिर बाद में हम वही चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो वैसी ड्रॉ नहीं हो पाती जैसा हमने पहले किया है। क्योंकि पहले एक रिदम बन जाती है कि हम उसे ड्रॉ करे जा रहे तो एक रिदम बन जाती है कि वो चीज़ हम फिर भूल जाते हैं कि मैंने इसमें ऐसा इसे कैसे स्ट्रोक्स लगाए थे, कैसे शेडिंग की थी मैंने, हम वो भूल जाते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ हो सके तो आप रोज़ एक बार तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करो आप, ताकि आप उसे भूल ना जाओ। ये देखिए मैंने इसमें भी पहले लाइन्स लगाए उसके बाद स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ निशान लगा रहा हूँ, सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ कि कौन से फिंगर्स कहाँ आएंगे, मैं सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ, नॉर्मल मार्किंग कर रहा हूँ। अब उसके बाद में मैं जो लाइन्स मेरे को दिख रही है उसके अंदर वो लाइन्स बना रहा हूँ ऑब्जर्व करके। अब उसके अंदर मैं जहाँ जहाँ डार्क है, डार्क पोर्शन जब डेप्थ होगी मैं वहाँ पर शेडिंग करना शुरू कर दूँगा। मैं स्ट्रक्चर, हो सकता है कि आप शेप्स लो, शेप्स में भी आप शेडिंग कर सकते हो, शेडिंग करते करते आप डिटेल में जा सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर से बहुत आसान हो जाती है वो चीज़। तो बस आपको मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज जो था मेरे पास ड्राइंग करने का मैंने इस वीडियो के अंदर वही आपसे शेयर करा है। जैसा मैंने अपने ड्राइंग करते समय जो चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करी है और जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं आपसे शेयर करूं, बस मैंने वही कोशिश करी है। ड्रॉ करना मैंने भी यूट्यूब से सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करी है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नॉलेज है, बस थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ही ली है इसके बारे में और मैंने अपने आप से ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है या फिर कुछ नया जानने को मिला है आपको, या फिर आपकी आप मेरी वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट या फिर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर वीडियोस के लिए। मैं ऐसे ड्राइंग वीडियोस और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा।
आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। अगर आपको किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के अंदर टफ लगता है कि आपसे ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे जैसा हो सकेगा मैं उस चीज़ के बारे में शेयर करूँगा आपसे। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट अली शाजा। और बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।